अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इमरान और मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ। और इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को सिखाने वाला हूँ, अगर आपके पास कोई सैमसंग गलेक्सी A20 मोबाइल आए जो सिग्नल प्रॉब्लम में हो, तो आप उसे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ठीक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आप सब दोस्तों और आप सब भाइयों से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे और आप इसी तरह से सीखते रहें। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को सिम डाल के दिखा देता हूँ ये किस कंडीशन में। मैंने मोबाइल को ओपन पहले से कर लिया है ताकि वीडियो में आप दोस्तों का टाइम बचाया जा सके। ये मेरे पास एक जोंग की सिम है और ये मैं इसमें डाल के आप दोस्तों को दिखा देता हूँ ये अभी किस कंडीशन में है, और सिम डालने के बाद ये इसके सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को शटर नीचे करके दिखा देता हूँ, जो नेटवर्क का नेम है वो किस तरह से शो हो रहा है। ये देख सकते हैं नो सर्विस था, अब एमरजेंसी आ चुका है। सेटिंग ओपन करने के बाद सिम भी चेक करवा देता हूँ, सिम शो हो रही है या नहीं हो रही। तो ये देख सकते हैं मेरी जो जोंग की सिम है वो शो हो रही है इसमें। और इसमें प्रॉब्लम एक और है, जब हम सिम इसमें लगा देते हैं उसके एक मिनट बाद ये मोबाइल खुद ब खुद सिग्नल वाली साइड से, जो सिग्नल आईसी जहाँ पर होता है वहाँ से हीट होने लगता है, और वो कुछ ही देर के बाद हीट ज़्यादा होने लगती है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद आप दोस्तों को दिखा देता हूँ ये हीट कहाँ से हो रहा है और इसका सिग्नल आईसी का जो सेक्शन होता है वो किस तरफ है। ये देख सकते हैं जो रिंग है मैं वो मैंने इसका रिमूव कर दिया है। तो ये देख सकते हैं ये इसका एंटीना की वायर है, ये बिल्कुल ठीक लगी हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मदरबोर्ड को रिंग से रिमूव कर लेता हूँ और फिर आप दोस्तों को दिखा देता हूँ इसके मदरबोर्ड का जो सिग्नल आईसी वो कौन सा सेक्शन है और उसे कैसे रिपेयर करना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल लश कंडीशन में मोबाइल है। जिस भाई ने इसे पहले चेक किया है उसने ज़्यादा इसको जो छेड़छाड़ नहीं की। तो मैं पीसीबी होल्डर में मदरबोर्ड को जो है होल्ड कर लेता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आप सब दोस्तों से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। अगर इस वीडियो में कोई भी बात आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह है इसका नेटवर्क का सेक्शन। सबसे पहले जो पेस्ट होती है वो इस प्लेट के चारों साइडों पे लगा लेनी है, ताकि जो प्लेट है वो अच्छी तरह से रिमूव हो और नीचे से कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। जो भी हीट से ख़राब होने वाली चीज़ हो वो आपने रिमूव कर लेनी है, ताकि बाद में अच्छी तरह से आप लगा सको उसे। प्लेट को हल्के हल्के से हीट देनी है, ताकि जो साथ में प्रोसेसर और पावर आईसी होता है उसको ना नुकसान हो, हीट को कम ही रखना है। ये देख सकते हैं प्लेट बड़ी अच्छी तरह से रिमूव हो चुकी है। जहाँ से मैंने प्लेट को रिमूव किया है वहाँ पर जो पेस्ट अभी लगी हुई है उसको रिमूव करने के लिए इसको मैं वॉश कर लेता हूँ, ताकि जो आईसी है वो अच्छी तरह से आप दोस्तों को दिखा सकूँ। और वॉश करने के लिए आप किसी भी थिनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं इसको वॉश कर लेता हूँ और फिर आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। बोर्ड अच्छी तरह से क्लीन और वॉश हो चुका है, ये देख सकते हैं बिल्कुल जो अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। और अब सबसे पहले चेक करना है जो हीट हो रही थी हमारी वो किस जगह से हो रही और कौन सा आईसी हीट हो रहा है। तो उसके लिए मैं इसके पीसी बोर्ड को जो है
रिंग में फिट कर लेता हूँ और बैटरी कनेक्ट करके और सिम डाल के देखते हैं ये कौन सा पार्ट्स हमारा हीट हो रहा है। ये लिक्विड लगा लेना ताकि जो बोर्ड है वो अच्छी तरह से कूल डाउन हो जाए, ताकि जो हीटिंग है वो आप अच्छी तरह से चेक कर सकें जो हीटिंग कहाँ से हो रही है। जो एंटीने की वायर है वो भी कनेक्ट कर लेनी है और उसके बाद मैं मोबाइल को ऑन करता हूँ। ऑन करके इसमें सिम डालता हूँ और सिम डाल के आप दोस्तों को दिखा देता हूँ अब जो हीटिंग है वो कहाँ से हो रही है। ये देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। मोबाइल ऑन हो चुके हैं, अब इसमें मैं सिम डाल देता हूँ और सिम डालने के बाद देखते हैं जो हमारी हीटिंग है वो कहाँ से हो रही है और उस हीटिंग का सलूशन क्या है। ये देख सकते हैं नो सर्विस पे अभी मोबाइल है, नो सर्विस इसमें आ रहा है अभी। और हीटिंग चेक करते हैं, हीटिंग हमारी जो वो अब हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ से तो मोबाइल बिल्कुल ठीक है, कूल है, कोई भी हीटिंग नहीं है। इस आईसी से हीटिंग हो रही है जो हमारा पीएफ आईसी होता है, यहाँ से हीटिंग हो रही है। जो जो इसके साथ में कैपेसिटर लगा होता है जो जिसमें वी बेट की सप्लाई आती, जो हमारी बैटरी की सप्लाई आती वो हीट हो रहा है तो उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व होती है या नहीं होती। इस कैपेसिटर को मैंने रिमूव कर दिया, अब मोबाइल को दोबारा से ऑन करता हूँ। ये देख सकते हैं सैमसंग का जो लोगो है वो आ चुका है। और मोबाइल हमारा पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है, ऑन हो गया है। और सबसे पहले इसमें जो सिग्नल है वो चेक करते हैं, हमारे सिग्नल जो है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देख सकते हैं जो हमारे मोबाइल है वो ऑन हो चुका है और हमारा नेटवर्क भी आ चुका है, हमारी सिम वर्किंग में आ चुकी है और हमारे सिग्नल भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ये देख सकते हैं जोंग लिखा हुआ आ चुका है, पहले यहाँ एमरजेंसी आता था। और मैं आप दोस्तों को आप एक दफ़ा मैं कॉल करके भी दिखा देता हूँ जो हमारा कॉल हो रही है या नहीं हो रही। ये देख सकते हैं सेकंड चलने स्टार्ट हो चुके हैं, जो हमारी कॉल है वो स्टार्ट हो चुकी है।
तो ये हमारी प्रॉब्लम थी जो सिग्नल की, वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी। जो येलो कलर का कैपेसिटर होता है उसमें शॉर्टिंग थी, उसकी वजह से जो PFIC वो काम नहीं कर रहा था। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई भी मोबाइल है, जो सैमसंग गलेक्सी A20, A10, A30, A30S, A20S, A50, सब में मदरबोर्ड तकरीबन सेम ही है, और आप इस तरह से उसे ठीक कर सकते हैं। अब मैं आप दोस्तों को एक दफ़ा मोबाइल को पूरी तरह से फिट करके दिखा देता हूँ, जो हमारे सिग्नल है वो ठीक तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी तक आप दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जी, स्क्रीन पे लोगो आ चुका है। जितने में मोबाइल ऑन होगा जितने टाइम में, उतनी देर में मैं दूसरा पार्ट से जितने भी है इसके लगा लेता हूँ। दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग में आप कोई भी काम करते हो तो पहले सबसे उसे अच्छे तरह से फाइंड करें और फॉल्ट को ट्रेस करके फिर उसे ठीक करें, ताकि जो फॉल्ट है अच्छी तरह से आप ट्रेस कर लो और बाद में उसे सॉल्व करने में आपको आसानी हो और कोई मुश्किल ना हो। आप सबसे पहले मैं आप दोस्तों को एक दफ़ा इस पे कॉल करके दिखा देता हूँ, जो हमारी सिम में वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ये अलाउड स्पीकर पे आप चेक कर सकते हैं, जो हमारी सिम में पूरी तरह से वर्क कर रही है। एक दफ़ा मैं आप दोस्तों को इसका जो डाटा कनेक्शन होता है वो भी ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, मैंने डाटा कनेक्शन इसका ऑन कर दिया है, और यहाँ देख सकते हैं जो 2G का ऑप्शन आ चुका है, जो 2G के सिग्नल हैं वो हमारे आ रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप दोस्तों को कोई भी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद रिपेयरिंग की मालूमात के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप दोस्तों का उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह से रिपेयरिंग सीखते रहें। अब मिलूंगा आप दोस्तों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और इसी तरह से रिपेयरिंग सीखते रहें।